नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाई, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पावर ट्रक यूरो 55 नेक्स्ट, जो कि 55 एचपी कैटेगरी में आती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा और प्राइस कितना है, इसका डीजल एवरेज कितना है, किसान भाइयों को यह ट्रैक्टर लेना चाहिए कि नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बेल घंटे को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ट्रैक्टर आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ इसमें सिंगल पीस बोनट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं साइड में यूरो 55 लिखा गया है, उसके साथ पावर ट्रक जो कि डीजल सेवर प्लस पावर ट्रक दावी करता है, और आप साइड को 4x4 देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाई, यहाँ पे लिखा है 15 स्पीड्स जो कि इस ट्रैक्टर का है, जो किसान भाई के लिए बहुत फायदेमंद है। सामने की तरफ आपको यूरो नेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, उसके साथ साथ 4 हेडलैम्प जो कि 2 प्रोजेक्टर टाइप हैलोजन लैम्प दिया गया है, और इस साइड में आपको रिंग टाइप एलईडी लाइट देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रैक्टर को शानदार लुक देता है और किसान भाई रात में आराम से काम कर पाएगा। अगर हम इंजन की बात करते हैं, इस ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर के 3682 सीसी वाला इंजन दिया गया है, और आप देख सकते हैं बॉश कंपनी का इनलाइन पंप सिस्टम है, जो कि बहुत शानदार माना जाता है। अगर हम टायर साइज की बात करते हैं, इसमें आपको शानदार रिम के साथ 9/5/24 साइज के फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है, जो कि इस ट्रैक्टर के लिए बहुत ही सही है। अगर हम पीछे वाले टायर को देखें तो कंपनी ने इसमें 16/9/28 साइज के पिछले टायर दिया गया है। इसमें अगर BKT के होता तो बहुत ही अच्छा होता। दोस्तों, ट्रैक्टर के आगे साइड आपको कंपनी फिटेड 4 22 kg वाला वेट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार है, ताकि ट्रैक्टर ज़्यादा लिफ्ट ना करें। उसके बाद अगर हम फ्रंट एक्सल की बात करते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं कितना मजबूत मोटा फ्रंट एक्सल दिया गया है, जो कि दूसरे ट्रैक्टर से इसका अलग पहचान बनाता है। और दोस्तों, इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जो कि काफ़ी स्मूथ है, आप आसानी से इस ट्रैक्टर को चला सकते। अगर हम ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मजबूत बैटरी बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें 12 वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया है, और आपको 2 सुंदर इंडिकेटर लाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है सेंसी नंबर 1, और काफ़ी मजबूत मोडगार्ड। अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे, और दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है इस ट्रैक्टर में, कंपनी आपको इस ट्रैक्टर के लिए 5 साल की वारंटी देती है, यानी 5000 घंटे। तो राइट साइड में देखें तो आपको सुंदर सा लैंप देखने को मिलेगा, जो कि रात में आप जुताई कर सकते हैं। तो किशन भाई, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिच दूसरे वाले ट्रैक्टर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिच दिया गया है, और आपको यहाँ पे 3 सेंसिंग पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको 2 हाइड्रोलिक वाल्व मिलेगा, जिसमें आप हैवी इक्विपमेंट जैसे कि MB प्लाव हरो लगा के आप जुताई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको 2 स्ट्रॉन्ग लिफ्टिंग बार देखने को मिल जाएगा। अगर हम रियर एक्सल की बात करते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मोटाई में है। चलिए किशन भाई, अभी हम डैशबोर्ड की तरफ नज़र डालेंगे। तो आप जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो आपको एडजस्टेबल सीट में बैठने को मिल जाएगा, और ये देखिए सामने की तरफ का ऐसे लुक। तो किशन भाई, उसके बाद आपको सुंदर सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें RPM मीटर, हीट और कूलिंग का मीटर लगाया गया है, और दोस्तों नीचे की तरफ जब देखेंगे आपको एक की पॉइंट मिलेगा, जिसमें आप की लगा के इस ट्रैक्टर को ऑन कर सकते हैं, और उसके नीचे आपको ट्रैक्टर को स्टॉप करने वाला
पुलिंग स्विच मिल जाएगा और दूसरे की तरफ लाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच। अगर हम ड्राइवर के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको हाई लो मीडियम का लीवर मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस आरपीएम में चलाएंगे। तो ये जो लीवर है ये आपको फोर व्हील ड्राइव को एंगेज करने के लिए है। तो यहीं पे ये पीला वाला लीवर आपको रोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसमें। तो किशन भाई अगर हम ड्राइवर के राइट की साइड की देखेंगे आपको यहाँ पे गियर सिस्टम मिल जाएगा जिसमें चार गियर है और एक रिवर्स गियर दिया गया है। तो कुल मिला के 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर दिया गया है इसमें। उसके साथ साथ आपको एक ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोलिंग का लीवर मिल जाता है जो कि काफ़ी थोड़ा सा हार्ड है फिर भी चल जाएगा। दोस्तों आपको दो साइड में हीट गार्ड में देखने को मिलेगा जो कि गर्म हवा को आने से रुकता है। और किशन भाई इस ट्रैक्टर डुअल क्लच के साथ आती है। दोस्तों इसमें आपको ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा जो कि ऑयल में डूबा हुआ रहता है और शानदार स्मूथ एक्सीलेटर के साथ ये ट्रैक्टर आती है। और ये डीजल वाटर सेपरेटर उसके साथ साथ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मिलकर देखने को मिलेगा। तो अगर नीचे की तरफ देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा प्रोपेलर जो कि फोर व्हील ड्राइव के लिए काम करता है। काफ़ी अच्छा है, ढका हुआ है ताकि घास मूस इसमें ना लगे। तो दोस्तों ट्रैक्टर को तो आपने देख लिया, तो अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस। तो किशन भाइयों आपको बता दूं कि इसका एक शोरूम प्राइस 10 लाख है। और किशन भाई शोरूम वाले का कहना है कि इसका डीजल एवरेज 6 फीट रोटावेटर में 6 लीटर पर घंटे में ये तेल खाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अगर आप हेवी इक्विपमेंट वगैरह चलाना चाहते तो इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। अगर आप मतलब सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो ये ट्रैक्टर आपके लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें आप 9 या 10 लीटर का तेल खा जाएगा। तो चलिए किसान मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।